दोस्तों आज की इस वीडियो आपके लिए लेकर आए आईपीएल की दुनिया के बड़े अपडेट्स, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खुशखबरी, दिल्ली में नए खिलाड़ी की एंट्री, आईपीएल में अफगानियों का दबदबा, आईपीएल के 3 नए नियम, सभी टीमों के स्पॉन्सर और होटलों की लिस्ट और भी ढेर सारे अपडेट्स आईपीएल से जुड़े हुए आपको बताने वाले हैं। आईपीएल 22 3 सप्ताह से भी कम के समय में होने वाला है, बस आपको आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और ये हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 419वां वीडियो है। और यदि आप हमारे चैनल का ऐसा नहीं है तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं सबसे पहले अपडेट। दोस्तों हमारी सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से और यह जुड़ा हुआ है दीपक चहर से, और यह एक बहुत ही खुशी की बात है। जहां पर पहले तो खबर आ रही थी कि दीपक चहर पूरा आईपीएल मिस कर सकते हैं और पूरा नहीं तो 90% आईपीएल मिस कर सकते थे, इसके पीछे वजह था कि उनका चोट का सर्जरी होने वाला था, तो सर्जरी होता तो ऐसे में तो 3 महीने का कम से कम समय लेता उसे रिकवर होने में, लेकिन जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक किसी भी तरह का सर्जरी से नहीं गुजरना पड़ेगा दीपक चहर को और उनका जो चोट है वह ऐसे ही ठीक हो जाएगा बस दवाइयों से और एक्सरसाइज से, और वह अप्रैल के बीच में पूरी तरह से फिट हो जाएंगे मुकाबले खेलने के लिए। फिलहाल में वह नेशनल क्रिकेट एकेडमी बैंगलोर में है और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह एक राहत की खबर है, जहां पर दीपक चहर अप्रैल के बीच में यानी कि चेन्नई के 2-4 मुकाबलों के बाद से अवेलेबल रहेंगे। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। हमने आपको बहुत पहले ही बताया था कि मोहम्मद कैफ ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को आईपीएल के ऑक्शन के पहले छोड़ दिया था किसी वजह से, और उनकी जगह पर कल दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बीजू जॉर्ज को फील्डिंग कोच के तौर पर अपॉइंट कर दिया है। बीजू जॉर्ज भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, इसके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की फ्रेंचाइजी के लिए भी फील्डिंग कोच रह चुके हैं और ढेर सारा अनुभव है उनके पास अंतरराष्ट्रीय और आईपीएल के मुकाबलों का, तो एक बेहतर विकल्प है वह मोहम्मद कैफ की जगह पर। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम 10 मार्च को अपना कैंप लगाने वाले हैं दिल्ली में ही। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि अभी आईपीएल को लेकर बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, तो सारे अपडेट आपको हम रियल टाइम में अपने टेलीग्राम चैनल पर बताते हैं और तरह तरह की इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं आईपीएल से जुड़े हुए जो वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो बिना देर किए हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है गुजरात टाइटंस की तरफ से। गुजरात टाइटंस ने कल आधिकारिक तरीके से रहमानुल्लाह गुरबाज को जेसन रॉय का रिप्लेसमेंट घोषित कर दिया है, और इसके साथ ही इस खिलाड़ी के बाद आईपीएल 22 में आपको 5 अफगानी खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद नबी और फैजल हक फरूकी, इनके अलावा 4 हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज एक विकेट कीपर भी हैं और अफगानिस्तान की टीम से ओपनिंग करते हैं और उनके पास भी उतना ज्यादा अनुभव नहीं है लेकिन इंप्रेस किए हैं। इसके साथ ही खबर आ रही है कि उन्हें राशिद खान के रिकमेंडेशन पर गुजरात टाइटंस ने अपनी टीम में शामिल किया है। वैसे इसको लेकर और भी सारी जानकारी हमने आपको कल की वीडियो में दी थी, तो हमारी वीडियोस को फिलहाल में तो रेगुलरली देखा करें। वैसे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं भारत के सबसे बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिनका नाम है रेडी अन्ना। यह साल 2010 से बने हुए हैं, यहाँ पर आप 160 प्लस गेम्स खेल सकते हैं, इनके पास 15 प्लस वेबसाइट्स हैं, 100 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं इनके अंदर, आपको यहाँ पे 24/7 विड्रॉल मिल जाता है। आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और सभी डिटेल्स ले सकते हैं। इसके साथ ही नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां पर आप काफी सारा डिटेल इनके बारे में जान सकते हैं। इसके साथ ही पेमेंट प्रूफ भी आपको वहां पर मिल जाएगा, तो भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर से या तो टेलीग्राम चैनल से रेडी अन्ना को ज्वाइन कर लें। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। लखनऊ सुपर जायंट्स के हेड कोच एंडी फ्लावर मुंबई पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स एक नई टीम है और उनका प्रैक्टिस कैंप का शुरुआत मुंबई में ही होने वाला है और उनका यह पहला सीजन है और यह पहले सदस्य है लखनऊ सुपर जायंट्स के जो भारत पहुंचे हैं विदेश से। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस के जो सपोर्टिंग स्टाफ है वह भी मुंबई पहुंच चुके हैं, जिसकी वीडियो मुंबई इंडियंस की टीम ने कल अपने सोशल मीडिया चैनल पर डाला था। इनमें डाटा, परफॉर्मेंस मैनेजर, वीडियो एनालिस्ट और भी कुछ सपोर्ट स्टाफ मेंबर है और यह पहला बैच है, बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं, तो सबकी जानकारी आपको हम देते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भूल मत जाइएगा, उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल 22 के सभी फ्रेंचाइजियों के टाइटल स्पॉन्सर को लेकर। राजस्थान रॉयल्स एकमात्र ऐसी टीम बचे हुए थे जिन्हें टाइटल स्पॉन्सर या प्रिंसिपल स्पॉन्सर नहीं मिला था और उन्हें भी टाइटल स्पॉन्सर मिल गया है। और अब चलिए आपको बताते हैं सभी टीमों के टाइटल स्पॉन्सर कौन कौन रहने वाले हैं साल 22 के लिए। सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के रहने वाले हैं पीवीएस यूरो ग्रुप, इसके बाद मुंबई इंडियंस के रहने वाले हैं स्लाइस जो कि एक क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का जेएसडब्ल्यू ग्रुप, पंजाब किंग्स का ईबिक्स कैश, गुजरात टाइटंस का एथर एनर्जी, राजस्थान रॉयल्स का हैप्पी लो, कोलकाता नाइट राइडर्स का एमपीएल, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुथूट फाइनेंस कॉर्प, लखनऊ सुपर जायंट्स का माय 11 सर्कल और अंत में सनराइजर्स हैदराबाद का कार्स 24। यह लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और इन्हीं कंपनियों का लोगो आपको आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजी के जर्सी के सबसे आगे देखने को मिलेगा, तो इस इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक तो बनता ही है। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल 22 के सभी टीमों के टीम होटल्स को लेकर। आईपीएल 22 में कौन सी टीम किस होटल में रहने वाले हैं उसकी भी सारी जानकारी हमारे पास आ चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सारी टीम होटल मुंबई में ही है क्योंकि सारे मुकाबले वहीं पर होने वाले हैं। चेन्नई सुपर किंग्स जिस होटल में रहेंगे उसका नाम है ट्राइडेंट नरीमन पॉइंट, मुंबई इंडियंस की टीम ट्राइडेंट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ताजमहल पैलेस में, पंजाब किंग्स रेनेसेंस में, गुजरात टाइटंस की टीम जेएसडब्ल्यू मैरियट, राजस्थान रॉयल्स ग्रैंड हयात, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ताज लैंड्स एंड, लखनऊ सुपर जायंट्स विमानता नवी मुंबई और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आईटीसी मराठा। इन सभी होटलों में जैसे जैसे आईपीएल के खिलाड़ी आएंगे अलग अलग फ्रेंचाइजी के सब वहीं पर जाकर क्वारंटाइन भी करेंगे और मुकाबलों के दौरान भी उनका वहीं पर बसेरा रहेगा। चलिए देखते हैं अपना
सातवां अपडेट। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जो निकल कर आ रहा है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप को लेकर। आज से पहले ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जो खिलाड़ियों को दिया जाता था, जो सबसे अधिक रन बनाए करते थे और जो सबसे अधिक विकेट लिया करते थे उनको, और इनमें कोई स्पॉन्सर नहीं रहता था, यानी कि इस टोपी पर किसी स्पॉन्सर का लोगो नहीं रहा करता था, बस टीम का लोगो रहता था। लेकिन साल 2022 से आपको ऑरेंज कैप और पर्पल कैप में स्पॉन्सर देखने को मिलेंगे, यानी कि जो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पहनेंगे उसमें किसी कंपनी का लोगो भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कौन सी कंपनी ने इसका स्पॉन्सरशिप लिया है अभी सामने नहीं आया है, लेकिन खोजा जा रहा है उसे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बताते हैं, जैसे जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है तब उसे सीएट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कहा जाता है, मतलब कि उसे सीएट टायर्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उसी तरह से ऑरेंज कैप और पर्पल कैप को भी इसी तरह से बोला जाएगा। चलिए देखते हैं अपना आठवां अपडेट। दोस्तों आपको बता दें कल आईसीसी ने कुछ बड़े नियम बदले हैं क्रिकेट के, जो काफी ज्यादा रोमांचक भी हैं और क्रिकेट को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देंगे। जिसमें कि पहला तो यह है कि यदि कोई खिलाड़ी कैच आउट होता है तो ऐसे में जो नया बल्लेबाज उनकी जगह पर आएगा वही स्ट्राइक पर आएगा, भले ही वह दौड़ गए हों जो आउट हुआ था, लेकिन उसके बाद भी कैच आउट होने के बाद नया खिलाड़ी ही स्ट्राइक पर आएगा। इसके बाद जो गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल किया जाता था, सलाइवा का इस्तेमाल किया जाता था, उसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यानी कि पहले तो कोरोना की वजह से इसे बैन किया गया था, लेकिन अब इसे परमानेंटली बैन कर दिया गया है। इसके बाद अंत में जो बेहद ही रोमांचक है, जो आईपीएल से जुड़ा हुआ है, वह यह है कि मानकर पूरी तरह से ऑफिशियल हो गया है, यानी कि इसे मान्यता मिल चुकी है। यदि कोई गेंदबाज अपने बॉल डालने से पहले किसी खिलाड़ी को क्रीज क्रॉस करने पर आउट कर देते हैं, जिस तरह से एक समय में रविचंद्रन अश्विन ने किया था जो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल था, तो वह इलीगल नहीं होगा, बल्कि इसे मान्यता मिल चुकी है। अब आधिकारिक तरीके से उस खिलाड़ी को आउट घोषित कर दिया जा सकता है और मानकर कोई भी खिलाड़ी कर सकता है। इसके साथ ही और भी 4-5 नियम है जो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वह हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दिया है, जाकर आप देख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण था हमने आपको बता दिया। हालांकि इसे अभी आईपीएल से नहीं बल्कि 1 अक्टूबर 2022 से सारे नियम इफेक्टिव होंगे, और आप इन नियमों से कितना ज्यादा सहमत है नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। और भी आईपीएल को लेकर ढेर सारी अपडेट्स, मतलब कि ढेर सारे अपडेट्स अभी आएंगे, तो हमारे साथ बने रहें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं कल की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।